एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल इन दिस ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज। सो टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज रॉक सिस्टम बेस्ड ऑन जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, है ना। आज की क्लास में हम लोग रॉक सिस्टम को पढ़ेंगे बेस्ड ऑन जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव स्टडीड अबाउट द रॉक सिस्टम बेस्ड ऑन द देयर मोड ऑफ फॉर्मेशन, है ना। उनके मोड ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पे हमने देखा था, तो हमने वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़े थे लाइक इग्नस रॉक्स, सेडिमेंटरी रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, है ना। ये सारे रॉक्स को हमने पढ़ा था। फिर देन वी हैव ऑल्सो स्टडीड अबाउट द रॉक साइकिल्स एंड देयर वी हैव सीन हाउ दिस रॉक्स गेट ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, है ना, बाय द एक्शन ऑफ वेरियस एजेंट लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वेदरिक एजेंट्स लाइक विंड, वाटर, है ना। ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा था। नाउ इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रॉक सिस्टम बेस्ड ऑन द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सो दिस इज अवर टेबल ऑफ कंटेंट। अंडर द टेबल ऑफ कंटेंट वी विल स्टडी द रॉक सिस्टम बेस्ड ऑन द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अंडर विच वी विल फर्स्ट स्टडी द आर्कियन रॉक सिस्टम। एंड द आर्कियन रॉक सिस्टम इज क्लासीफाइड बेसिकली इन टू थ्री टाइप्स, आर्कियन जीनेसिस, धारवाड़ सिस्टम एंड पुराना रॉक सिस्टम। एंड द पुराना रॉक सिस्टम इज अगेन क्लासीफाइड इन टू कोडप्पन सिस्टम एंड विंध्यन सिस्टम। Then we will study the Dravidian rock system, and the Dravidian rock system we will study the Carboniferous rocks, and then we will study at last the Aryan rock system. And Aryan rock system we will study the Gondwana system, Jurassic system, Deccan traps, and Tertiary system. Okay, so let us begin. Before moving forward, हम लोग आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली अगर जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करें तो जो स्केल या बेसिस हम लोग यूज करते हैं टाइम्स को मेजर करने का, है ना, वो हम लोग टाइम को यॉन देन एरा देन पीरियड्स देन इपॉक एंड देन ईयर्स। ओके, और इसके पहले सुपर ईयन भी होता है। तो इस ऑर्डर को हम लोग याद कर ये रहेंगे, ठीक है ना। ये तो इस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है वेरियस जितने भी मेजर इवेंट्स हुए हैं, और मेजर इवेंट्स को चाहे वो ओरिजिन ऑफ सन हो, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हो, है ना, अकरेंस ऑफ फर्स्ट एम्फीबियन, फर्स्ट मैमल्स, है ना, इन सब का हो, तो इन सारे इवेंट्स को इन्हीं टाइम स्केल्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है जब से ये अर्थ जो है या यूनिवर्स जो है एग्जिस्टेंस में आया है। तो बेसिकली अगर हम नीचे से चलें स्टेबल में, तो पहले ओरिजिन ऑफ स्टार्स, ओरिजिन ऑफ सुपरनोवा, है ना, ड्यूरिंग दिस पीरियड्स ये हुआ, इनका ओरिजिन ऑफ सन एंड ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। एंड ड्यूरिंग प्री कैम्ब्रियन एरा, है ना, प्री कैम्ब्रियन एरा जो है ये तीन ईयन हैं, प्रोटोजोइक, आर्कियन एंड हेडन, ये ईयन को हम कलेक्टिवली प्री कैम्ब्रियन एरा में ही रखते हैं। और इस टाइम में जो जो कुछ मेजर इवेंट्स हुए थे वो बेसिकली थे यहाँ पे ब्लू ग्रीन एर्गा, है ना, केम इनटू एग्जिस्टेंस, यूनिसेलुलर बैक्टीरिया, देयर वाज ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट विच केम इनटू एग्जिस्टेंस, एंड द एटमॉस्फियर एट दैट टाइम वेयर वेरी मच रिच इन द कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत था उस समय एटमॉस्फियर है, ना। ये प्री कैम्ब्रियन एरा की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं, तो प्री कैम्ब्रियन एरा के बाद जो और हैं, पैलियोजोइक एरा, है ना, 245 टू 570 मिलियंस, एंड देन मीज़ोजोइक एरा फ्रॉम 245 टू 65 मिलियंस, एंड देन सीनोजोइक एरा फ्रॉम 65 मिलियन ईयर्स एगो टू प्रेजेंट टाइम, है ना, ये सीनोजोइक एरा है। नाउ वी कैन से वी आर इन सीनोजोइक एरा। अगेन ये जो पैलियोजोइक एरा से बात करते हैं, पैलियोजोइक एरा को कई पीरियड्स में क्लासीफाई किया गया, परमियन, कार्बोनिफोरस, डिवोनियन, सिल्वरियन, ऑर्डोविशियन और कैम्ब्रियन। तो बेसिकली ये जो पीरियड्स थे, इन पीरियड्स में जो कार्बोनिफेरस पीरियड्स है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कार्बोनिफेरस के पीरियड के समय फॉर्मेशन ऑफ कोल वगैरह हुए, और इस पीरियड्स के जो कोल्स हैं वो बहुत हाई क्वालिटी के कोल्स माने जाते हैं, दे आर वेरी मच रिच इन कार्बन कंटेंट, है ना, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। बट इंडिया में जो कोल्स पाए जाते हैं वो इस एज के नहीं कोल्स पाए जाते हैं, है ना, उसको भी आगे हम लोग देखेंगे। देन मीज़ोजोइक जो एरा था, मीज़ोजोइक एरा वही 65 टू 245 मिलियन ईयर्स एगो था, है ना, तो इनको मैमल्स का भी एरा बोलते हैं।
बेसिकली ये थ्री क्रस्टेशियस, जुरासिक एंड ट्रेजिक पीरियड में इनको क्लासिफाई किया जाता है। तो अगर ट्रेजिक पीरियड की बात करें तो फ्रॉक्स एंड टर्टल्स केम इन टू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड, है ना। एंड देन द जुरासिक पीरियड इज द एज ऑफ डायनासोर्स, एंड क्रस्टेशियस पीरियड ड्यूरिंग दिस पीरियड द डायनासोर गॉट एक्सटिंक्ट, है ना। इस पीरियड में डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए थे। तो ये ध्यान रखें, क्रस्टेशियस पीरियड में डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए थे, जुरासिक पीरियड वेयर द एज ऑफ डायनासोर। देन इन सीनोजोइक पीरियड में की अगर हम बात करें, सीनोजोइक एरा की बात करें, देन सीनोजोइक एरा इज क्लासिफाइड टू क्वार्टनरी पीरियड एंड टर्शियरी पीरियड, ठीक है। तो जितने भी अभी के जो इवेंट्स हैं, मेजर इवेंट्स जो हम अभी डेली लाइफ में देखते हैं, वो सारे इसी पीरियड्स में या इसी एरा में फॉर्म हुए थे। जैसे फॉर्मेशन ऑफ, जैसे अगर इसमें अगर कुछ टर्शियरी पर्टिकुलर टर्शियरी पीरियड की बात किया जाए, तो टर्शियरी पीरियड को भी कई इपोक में डिवाइड किया गया है। जैसे पेलियोसिन्स, मायोसिन्स, ऑलिगोसिन्स, यूसिन एंड पैलायोसिन, ओके। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड है ना, अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर्स एंड एंट्रापोड्स एंड रैबिट्स, स्मॉल मैमल्स, दे केम इन टू एग्जिस्टेंस। एंड ड्यूरिंग क्वार्टनरी पीरियड वॉज क्लासिफाइड टू द होलोसिन्स एंड पैलिस्टोसिन्स। तो हॉलो ड्यूरिंग पैलिस्टोसिन्स द होमोसेपियंस केम इन टू एग्जिस्टेंस, एंड ड्यूरिंग होलोसिन्स द मॉडर्न मैन केम इन टू एग्जिस्टेंस। तो इसको हम लोग याद रखेंगे थोड़ा सा कुछ फैक्ट, कि अगर मॉडर्न मैन की बात करें तो वो किस पीरियड में थे या केम इनटू एग्जिस्टेंस, या किस इपॉक में केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो होलियोसिन्स, है ना, और जो होमोसेपियंस पैलिस्टोसिन्स। तो इन कुछ बातों को हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अब इसमें आगे चलते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ये रॉक सिस्टम। तो रॉक सिस्टम में जो पहला रॉक सिस्टम हमारा आर्कियन रॉक सिस्टम है, ये आर्कियन रॉक सिस्टम। आर्कियन रॉक सिस्टम के बाद हमारा पुराना रॉक सिस्टम, देन वी विल स्टडी द द्रविड़ियन रॉक सिस्टम, एंड लास्ट वी विल स्टडी द आर्यन रॉक सिस्टम, ठीक है। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बेसिस पे जो रॉक्स का क्लासिफिकेशन इस तरीके से किया गया है, ठीक है। अगर हम इनका फर्दर क्लासिफिकेशन देखें, ठीक है, तो अगर हम आर्कियन रॉक सिस्टम की बात करें, तो आर्कियन रॉक सिस्टम को हम लोग प्री कैम्ब्रियन एरा या वेरी ओल्ड प्लूटोनिक रॉक सिस्टम भी बोलते हैं। तो दिस इज क्लासिफाइड अगेन इन टू आर्कियन जिनेसिस एंड सिस्ट एंड धारवाड़ सिस्टम, ठीक है। एंड द पुराना रॉक सिस्टम है ना इज क्लासिफाइड इंटू कुडप्पन सिस्टम एंड विंध्यन सिस्टम, ओके। एंड द्रविड़ियन रॉक सिस्टम इज क्लासिफाइड इंटू कार्बोनीफोरस रॉक सिस्टम, ओके। जो यूरोपियन, जो इस कार्बोनीफोरस रॉक्स या इस पीरियड के जो कोल्स हैं, ये आपको यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिका में मिलेंगे, है ना। वो बहुत हाई क्वालिटी कोल्स हैं, पाए जाते हैं। देन विल स्टडी द आर्यन रॉक सिस्टम। आर्यन रॉक सिस्टम या इसको रिसेंट रॉक्स भी कहते हैं हम लोग। विल स्टडी द गोंडवाना सिस्टम, जुरासिक सिस्टम, डिक्कन ट्रैप्स एंड टर्शरी सिस्टम, ओके। तो अगर हम लोग बात करें जियोलॉजिकल मैप की, अगर इंडिया की, है ना, कि अगर इन रॉक मैप में अगर देखें कि ये सारे रॉक्स कहाँ पाए जाते हैं, तो अगर प्री कैम्ब्रियन रॉक्स की हम बात करें, प्री कैम्ब्रियन एरा की, तो ये जो ब्राउन दिख रहा है आपको, ब्राउन वाला रीजन, है ना, इन रीजन में आपको प्री कैम्ब्रियन एरा के रॉक्स मिलेंगे, ठीक है, ये इन रीजन में। देन जो गोंडवाना एंड विंध्यन रीजन के रॉक्स मिलेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, है ना, कुछ राजस्थान, गुजरात, है ना, इधर फिर एमपी वाले रीजन में मिलेंगे आपको, फिर इधर इधर छत्तीसगढ़, झारखंड, है ना, उड़ीसा वाले रीजन में मिलेगा आपको, कुछ एमपी रीजन, कुछ महाराष्ट्र वाले रीजन मिलेंगे, आंध्र प्रदेश वाले रीजन में कुछ मिलेगा, कुछ कर्नाटका वाले रीजन में उसके कुछ पार्ट्स मिलेंगे। तो इस तरीके से जो विंध्यन रीजन है या गोंडवाना रॉक्स सिस्टम है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगेन अगर डेक्कन ट्रैप्स की बात करें, तो डेक्कन ट्रैप्स ये इधर कच्छ में मिलेगा, कच्छ, महाराष्ट्र, मालवा, है ना, सब पार्ट ऑफ कर्नाटका, इधर ये डिस्ट्रीब्यूटेड मिलेंगे आपको। देन रिसेंट प्लेस्टोसिन्स, अगर रिसेंट प्लेस्टोसिन्स की बात करें हम लोग, तो ये आपको जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, इधर बिहार, है ना, उत्तर प्रदेश, झारखंड, असम, नॉर्थ ईस्ट एरिया, बंगाल, है ना, ये रिसेंट टू प्लेस्टोसिन्स पीरियड्स में जो रॉक्स ये बने हैं, वो इन रीजन्स में, ठीक है। तो आइए अब एक एक को पढ़ते हैं वन बाय वन। अगर हम आर्कियन रॉक सिस्टम की बात करें, आर्कियन रॉक सिस्टम की, जो हमारा आर्कियन रॉक सिस्टम है, इसको हम लोग प्री कैम्ब्रियन रॉक्स भी बोलते हैं। दे आर फाउंड प्रायर टू द कैम्ब्रियन सिस्टम, ओके। एंड दीज रॉक्स आर क्लासिफाइड मेजरली इन टू द आर्कियन जिनेसिस एंड सिस्ट। दीज आर फाउंड 4 बिलियन ईयर्स एबो। बेसिकली जिनेसिस और सिस्ट का मतलब क्या है, हम लोगों ने पीछे देखा था कि जिनेसिस आर द मिनरल कंपोजिशन विच वेरीज फ्रॉम ग्रेनाइट टू गैब्रो,
and schist, which are mostly crystalline and include mica, talc, hornblende and fluorite. Okay, अगर हम इन आर्कियन रॉक्स आर्कियन जिनेशन सिस्ट रॉक्स की अगर हम बात करें तो दीज आर द ओल्डेस्ट रॉक्स. ओके, दीज आर द ओल्डेस्ट रॉक्स प्री कैम्ब्रियन एरा फाउंड ऑफ प्री कैम्ब्रियन एरा एंड फाउंड अबाउट 4 बिलियन ईयर्स एगो. दीज रॉक्स फॉर्म ड्यू टू द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मोल्टेन मैग्मा. ओके, जो अर्थ के इंटीरियर जो मोल्टेन मैग्मा निकले उनके सॉलिडिफिकेशन से ये रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ. दे आर नोन एज बेसमेंट कॉम्प्लेक्स. हम क्या बोलते हैं, बेसमेंट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. बेसमेंट कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो भी रॉक्स होती हैं, न्यू रॉक्स होती हैं, इन्हीं के ऊपर ये नीचे आपको जो ये मिलेंगे लावा के कूल होने से ये बने हैं, है ना, और इन्हीं के ऊपर लेयर फॉर्म में जो रॉक्स हैं वो बनेंगी. तो ये बेस की तरह काम करते हैं, ठीक है ना, रॉक्स के ऊपर डिपॉजिट. तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द बेसमेंट कॉम्प्लेक्स. दे आर एजोइक और अनफॉजिलिफोरस. ठीक है, एजोइक और अनफॉजिलिफोरस कहने का मतलब कि दे लैक इन द फॉजिल्स. फॉजिल्स कंटेंट्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे आपको इसमें. दे डू नॉट कंटेन द फॉजिल्स. ओके, दे आर दे एग्जिस्ट इन द पॉलिटेड फॉर्म, मीन्स दे आर कंसिस्ट ऑफ थिन शीट्स. अगर उसको आप देखेंगे तो वो थिन शीट्स में बिल्कुल एक के ऊपर एक इस तरीके से डिपॉजिट होते हैं, ठीक है ना, ये थिन शीट्स. ओके, दे आर थॉर्ली क्रिस्टलाइन बिकॉज दे आर वॉल्केनिक इन ओरिजिन एंड प्लूटोनिक इंट्रूजन, है ना. वॉल्केनिक रॉक्स जो प्लूटोनिक जो वॉल्केनिक रॉक्स बहुत डीप में जो मैग्मा, या यूँ कहें कि जो मैग्मा, हाँ जो मैग्मा बहुत डीप में, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था कि डीप में जब वो अर्थ के इंटीरियर में जब वो क्या होते हैं, सॉलिडिफाई होते हैं. अर्थ के इंटीरियर में जब जो सॉलिडिफाई होते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूटोनिक रॉक्स बोलते हैं. और जब ये डिग्रेड या डिनूडेड होते हैं ऊपर के सर्फेस, तब ये रॉक्स आपको दिखते हैं. ओके, अगर हम इसका अगला क्लासिफिकेशन देखें आर्कियन का, तो ये है हमारा धारवाड़ सिस्टम. क्या है धारवाड़ सिस्टम, ये कब बना था, 4 से लेके 1 बिलियन ईयर्स एगो. दे आर द फॉर्मेशन पीरियड ऑफ दिस रॉक्स इज 4 बिलियन ईयर्स एगो टू 1 बिलियन ईयर्स एगो. ओके, दे आर हाईली मेटामॉर्फोज सेडिमेंट्री रॉक्स. दे आर हाईली मेटामॉर्फोज सेडिमेंट्री रॉक्स. व्हाई, बिकॉज दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द मेटामॉर्फोसिस ऑफ द सेडिमेंट्स ऑफ आर्कियन जिनेसिस एंड सिस्ट. आर्कियन जिनेसिस और सिस्ट की जब मेटामॉर्फोसिस होती है, मीन्स जब एजेंट लाइक टेम्परेचर और प्रेशर जब इस पर एक्ट होते हैं, इसके फॉर्म को चेंज करते हैं, है ना, और उस पर और भी वेदरिंग एजेंट्स काम करते हैं, जैसे विंड हो गया, वाटर हो गया, और उसको सेडिमेंट्स में ब्रेक करते हैं, आर्कियन जिनेसिस और सिस्ट को, और सेडिमेंट्स में ब्रेक करने के बाद उस सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक्स बनता है, और उस सेडिमेंट्री रॉक्स में जब टेम्परेचर प्रेशर की वजह से उनका फॉर्म चेंज होता है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड हाईली मेटामॉर्फोज सेडिमेंट्री रॉक्स. ओके, और हम ये कह सकते हैं कि दे आर ऑल्सो द ओल्डेस्ट मेटामॉर्फोज सेडिमेंट्री रॉक्स. ओके, ओल्डेस्ट या यूं कहें मेटामॉर्फोज रॉक्स, दे आर द ओल्डेस्ट मेटामॉर्फोज रॉक्स. ओके, नाउ दे डिराइव इट इन धारवाड़ सिस्टम डिराइव इट नेम फ्रॉम द प्लेस और अ डिस्ट्रिक्ट इन द कर्नाटका धारवाड़. इस कर्नाटका में एक धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट है, उस जगह पर ये काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, काफ़ी प्रचुरता में पाए जाते हैं ये रॉक्स, तो वहाँ से इसका नेम धारवाड़ सिस्टम पड़ा. ओके, इकोनॉमिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रॉक्स. दे आर ऑफ वेरी मच इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बिकॉज दे पसेस द वैल्यूएबल मिनरल्स लाइक हाई ग्रेड आयरन ओर्स, मैंगनीज, कॉपर, लीड, है ना, गोल्ड. इस तरह के ओर मिनरल्स ओर्स आपको इस तरह के रॉक सिस्टम में मिलेंगे. बेसिकली अगर हम धारवाड़ सिस्टम की बात करें तो ये आपको यहाँ देखिए मैप में ये देखेगा, ये कर्नाटका रीजन में ये मिलेंगे, है ना, और ये बहुत इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस के होते हैं. इस तरह के मिनरल्स इसमें आपको वैल्यूएबल मिनरल्स आपको इसमें मिलेंगे. ठीक है, अगर हम आर्कियन सिस्टम की बात करें तो ये आर्कियन सिस्टम के रॉक्स इस तरीके से, अगर हम पूरे आर्कियन सिस्टम की बात करें तो ये धारवाड़ तो इसी का खैर पार्ट है ना, तो ये इस तरीके से रे डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, इसमें आर्कियन जीनेसिस सिस्ट, है ना, और धारवाड़ सिस्टम, पुराना रॉक सिस्टम, ये सारे इंक्लूडेड है इसमें. चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये इस मैप में हम लोग देख रहे हैं कोडप्पन और विंध्यन रेंज वाला, है ना, कोडप्पन विंध्यन रेंज, इसको आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना, कोडप्पन और विंध्यन रेंज के जो रॉक्स हैं वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है इन रीजन से. चलिए अगला जो रॉक सिस्टम है वो पुराना रॉक सिस्टम है हमारा, है ना, एंड दे आर फाउंड बिटवीन द 1400 to 600 मिलियन ईयर्स एगो. ओके, एंड दीज रॉक सिस्टम्स आर अगेन क्लासिफाइड इनटू कोडप्पा सिस्टम एंड विंध्या सिस्टम. कोडप्पा सिस्टम एंड विंध्या सिस्टम, अगर कोडप्पा सिस्टम की बात करें,
हड़प्पा सिस्टम की बात करें तो दे आर बेसिकली अनफॉसिलिफेरस, ओके। और वन मोर थिंग, दिस कुड़प्पा सिस्टम डिराइव इट्स नेम फ्रॉम अ डिस्ट्रिक्ट कुड़प्पा इन द आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कुड़प्पा जगह है, वहाँ से इसका नाम पड़ा कुड़प्पा ना, वहाँ पे ये ऑब्जर्व किया गया पहले, वहाँ से इसको हम लोग कुड़प्पा सिस्टम बोलते हैं। एंड इनकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो दे आर अनफॉसिलिफेरस, है ना, स्लेट सैंडस्टोन्स लाइम स्टोन्स आर डिपॉजिटेड इन द सिंक्लाइनल बेसिन, है ना, जो डिप्रेशंस होते हैं टू फोल्ड माउंटेन्स के बीच में, दो दो फोल्ड माउंटेन्स के बीच में जो डिप्रेशंस होते हैं ना, जो ये बीच का जो ये गड्ढाल रीजन होता है, वहाँ पे दे आर डिपॉजिटेड, ओके। दीज रॉक कंटेन्स आयरन मैंगनीज, ओके, कॉपर कोबाल्ट निकिल, ओके। दे कंटेन्स अ लार्ज डिपॉजिट ऑफ सीमेंट ग्रेड लाइम स्टोन, दे कंटेन लार्ज डिपॉजिट ऑफ सीमेंट ग्रेड लाइम स्टोन। देन विंध्यन सिस्टम, विंध्यन सिस्टम फॉर्मेशन ईयर्स इज 1300 पीरियड 1300 टू 600 मिलियन ईयर्स एगो, ओके। दिस सिस्टम डिराइव इट्स नेम्स फ्रॉम द ग्रेट विंध्यन माउंटेन, बिकॉज वहाँ पे ये रॉक्स आपको मिलेंगे काफ़ी। द सिस्टम कंप्राइज ऑफ द एंशियंट सेडिमेंटरी रॉक्स सुपर इम्पोज ऑन द आर्कियन बेस, है ना, ये जो सिस्टम बना है आर्कियन बेस पे जो एंशियंट सेडिमेंटरी रॉक्स के डिपॉजिट होने से बना है। दे आर मोस्टली अनफॉसिलिफेरस, यहाँ पे भी फॉसिल कंटेंट्स आपको बहुत मिनिमम मिलेंगे, न के बराबर मिलेंगे। लार्ज एरिया ऑफ दिस बेल्ट इज कवर्ड बाई द डेक्कन ट्रैप, लार्ज एरिया ऑफ दिस बेल्ट इज कवर्ड बाई द डेक्कन ट्रैप। एंड विंध्यन सिस्टम हैव डायमंड वेयरिंग रीजन्स, है ना, यहाँ पे डायमंड, इनके कुछ रीजन्स में डायमंड मिलेंगे, जैसे कि पन्ना हो गया, गोलकोंडा हो गया, यहाँ पे डायमंड के माइंस हैं, डायमंड के माइंस हैं, ओके। सो दिस विंध्यन सिस्टम इज डायमंड वेयरिंग रीजन। इसके अलावा यहाँ पे कुछ मेटेलिक, जो मेटेलिक आपको मेटेलिक मिनरल्स नहीं मिलेंगे, मेटेलिक मिनरल्स मिनरल्स लैक करते हैं यहाँ पे, मेटेलिक मिनरल्स आपको नहीं मिलेंगे। बेसिकली यहाँ पे आपको कुछ ऑर्नामेंटल स्टोन्स मिलेंगे, है ना, लाइम स्टोन्स मिलेंगे, प्योर ग्लास मेकिंग एंड सैंड्स, ये सारे मटेरियल्स यहाँ पे आपको ये मिलेंगे। अगला हम लोग देखते हैं द्रविडियन रॉक सिस्टम, ओके, द्रविडियन रॉक सिस्टम। बेसिकली इनका जो एज ऑफ फॉर्मेशन का 600 टू 300 मिलियन ईयर्स एगो है, ना, दे आर फाउंड इन द एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन और द हिमालयन एंड गंगा प्लेन एंड आर वेरी रेयर इन पेनिनसुलर इंडिया। इसके नेम से हमें कन्फ्यूज नहीं होना कि अगर इनका द्रविडियन नेम है तो मीन्स दे आर फाउंड इन द साउथ इंडिया, नहीं, दे आर फाउंड इन द एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन मीन्स द हिमालयन रीजन एंड द गंगा प्लेन, है ना, इन रीजन में ये काफ़ी मिलते हैं और पेनिनसुलर इंडिया में बहुत रेयर हैं ये, है ना, बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। दे आर अबंडेंट फॉसिल्स, है ना, यहाँ पे बहुत सारे फॉसिल्स मिलेंगे ये, है ना, अभी तक हम लोगों ने पीछे जितने भी रॉक सिस्टम पढ़े वहाँ पे दे लैक इन दे आर डिवॉइड ऑफ फॉसिल्स, बट दे इन दिस रॉक सिस्टम द्रविडियन रॉक सिस्टम आपको काफ़ी फॉसिल्स मिलेंगे। इसके जो रॉक्स हैं, रॉक्स ऑफ द कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्वेरियन, है ना, डियोनियन एंड कार्बनिफेरस पीरियड फॉल अंडर द ड्रेविडियन सिस्टम। तो जो जो इन पीरियड्स के जो रॉक्स हैं वो सारे रॉक्स को हम लोग कलेक्टिवली क्या कहते हैं, ड्रेविडियन सिस्टम के रॉक्स बोलते हैं। एंड बेसिकली इन सारे पीरियड्स में जो कार्बनिफेरस पीरियड्स है, जो कार्बनिफेरस पीरियड्स है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको देखते हैं। तो जो रॉक्स ऑफ दिस कार्बनिफेरस पीरियड, रॉक्स ऑफ दिस कार्बनिफेरस पीरियड जिसको हम लोग कार्बनिफेरस रॉक्स बोलते हैं, तो बेसिकली द कार्बोनिफेरस का जो मीनिंग होता है, जियोलॉजिकल मीनिंग मीन्स कोल वियरिंग, है ना। तो ये इस पीरियड में या इस यहाँ पे आपको कोल बहुत मिलेंगे, जो हाई ग्रेड कोल मिलेंगे उनमें जो कार्बन कंटेंट होता है बहुत में होता है, है ना। तो जो इस कार्बोनिफेरस पीरियड्स में जो के जो कोल्स हैं दे आर वेरी मच हाई इन कार्बन कंटेंट एंड दे आर हाई ग्रेड कोल्स, है ना। बेसिकली इनका जो पीरियड था कार्बोनिफेरस रॉक्स जो बने थे वो 350 मिलियन ईयर्स एगो, एंड दे आर मेनली जो कार्बोनिफेरस रॉक्स होते हैं दे आर मेनली कंप्राइज ऑफ लाइम स्टोन सेल्स एंड क्वार्टजाइट। जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट इज कम्पोज ऑफ अपर कार्बोनिफेरस लाइम स्टोन, है ना। द कोल फॉर्मेशन स्टार्टेड इन द कार्बोनिफेरस एज, इस कार्बोनिफेरस एज में ही कोल फॉर्मेशन स्टार्ट हुई थी, हम लोग देखेंगे। जो हाई ग्रेड कोल क्वालिटी कोल मिलते हैं इस कार्बोनिफेरस एज के वो मिलेंगे आपको ग्रेट लेक्स रीजन ऑफ यूएसए, यूके एंड रूर रीजन, ओके। इन रीजन में आपको हाई ग्रेड दिस पीरियड के कोल्स मिलेंगे, बट इंडिया में जो कोल मिलते हैं
वो कार्बोनिफेरस एज के नहीं मिलेंगे, कार्बोनिफेरस पीरियड के कोल्स इंडिया में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, गोंडवाना सिस्टम के या यू कहें कि जो गोंडवाना पीरियड है उस समय के जो कोल हैं इंडिया में पाए जाते हैं, आगे भी हम लोग देखेंगे। ये जो लास्ट जो सिस्टम ऑफ रॉक्स है वो आर्यन रॉक सिस्टम हमारा क्या है, आर्यन रॉक सिस्टम बेसिकली दे आर फ्रॉम द अपर कार्बोनिफेरस एज टू द रिसेंट, है ना, अपर कार्बोनिफेरस एज से आज तक इनका जो फॉर्मेशन का एज है ना, अंडर विच गोंडवाना सिस्टम, गोंडवाना सिस्टम इसको हम लोग कई सिस्टम में पढ़ेंगे, आर्यन रॉक सिस्टम के कई पार्ट्स हैं जैसे गोंडवाना सिस्टम। बेसिकली जो गोंडवाना सिस्टम है, गोंडवाना सिस्टम डिराइव इट्स नेम फ्रॉम द गोंड ट्राइब्स विच इनहेबिटेड इन द तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश रीजन, वहाँ पे वो रहते थे, कुछ गोंड ट्राइब्स रहते थे, उनकी उनकी नेम से ये नाम पड़ा है गोंडवाना सिस्टम, है ना। एंड दे आर डिपॉजिट लेट डाउन इन द सिंक्लाइनल ट्रफ ऑन द एंशियंट प्लेटियो सर्फेस एंड द फ्रेश वाटर सेडिमेंट्स एक्यूमुलेटेड इन दिस ट्रफ्स एंड द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड एनिमल थ्राइव। ओके, तो एज द सेडिमेंट्स एक्यूमुलेटेड द लोडेड ट्रफ सबसाइडेड। तो ये जो गोंडवाना सिस्टम का वो था पार्ट था वो इस तरीके से ये बना था। ठीक है, और ये आपको 250 मिलियन ईयर्स एगो इसकी फॉर्मेशन हुई थी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है गोंडवाना कोल्स, तो जो गोंडवाना रॉक्स कंटेंस नियरली 98% ऑफ द इंडियन कोल रिजर्व, तो इंडिया का जो कोल रिजर्व है वो 98% कोल रिजर्व आपको गोंडवाना रॉक्स में ही मिलेगा, गोंडवाना रॉक्स में मिलेगा। ठीक है, एंड जो गोंडवाना रॉक्स है यू कहें गोंडवाना कोल्स जो है दे आर मच यंगर देन द कार्बोनिफेरस कोल्स, वो कार्बोनिफेरस कोल्स से बहुत ज़्यादा अभी एज वाइज अगर देखें तो यंगर है। इस वजह से जो कार्बन कंटेंट है वो कार्बोनिफेरस कोल्स में ज़्यादा है और इनमें गोंडवाना कोल्स में काफ़ी कम। ठीक है, जो कार्बन कंटेंट, ठीक है, दैट्स वाई द कार्बोनिफेरस कोल्स आर ऑफ हाई ग्रेड कोल्स, और ये जो गोंडवाना कोल्स हैं वो उतने हाई क्वालिटी कोल्स नहीं है। दे हैव रिच डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर्स, जो गोंडवाना रॉक्स हैं उनमें आयरन ओर्स मिलेंगे आपको, कॉपर मिलेंगे, यूरेनियम एंड एंटीमनी। सैंड स्टोन स्लेट्स एंड कॉन्ग्लोमरेट्स आर यूज एज ए बिल्डिंग मटेरियल्स। ओके, अगला जो पार्ट है आर्यन का, आर्यन सिस्टम का, वो जुरासिक सिस्टम है। जुरासिक सिस्टम, तो जुरासिक सिस्टम बेसिकली जुरासिक सिस्टम तो जो जुरासिक पीरियड के समय जो डायनासोर का पीरियड है उसको वो भी हम जानते हैं, उस पीरियड के ये रॉक सिस्टम बने हैं। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड द जियोलॉजिकल फिनोमेना कॉल्ड मैरिन ट्रांसग्रेशन टेक्स प्लेस इन द लेटर पार्ट ऑफ जुरासिक पीरियड एंड विच गेव राइज टू द थिक सीरीज ऑफ सैलो वाटर डिपॉजिट इन द राजस्थान एंड कच्छ रीजन। ओके, बेसिकली मैरिन ट्रांसग्रेशन क्या होता है, मैरिन ट्रांसग्रेशन एक जियोलॉजिकल फिनोमेना है, जियोलॉजिकल इवेंट है जहाँ पे क्या होता है सी लेवल राइज होता है और राइज होकर के ये क्या होता है हाई ग्राउंड वाले रीजन तक पहुँच जाता है। ठीक है, हाई ग्राउंड वाले रीजन तक पहुँच जाता है, इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं मैरिन ट्रांसग्रेशन कहते हैं। द कोरल लाइम स्टोन सैंड स्टोन कॉन्ग्लोमरेट्स एंड द सेल्स अकर इन द कच्छ ड्यू टू दिस मैरिन ट्रांसग्रेशन। और एक और मैरिन ट्रांसग्रेशन आपको ईस्टर्न कोस्ट पर देखने को मिलेगा इंडियन पेनिनसुला में, वो है गंटूर और राजामुंद्री वाले रीजन में, ये बेसिकली आंध्र प्रदेश वाले रीजन में मिलेंगे आपको, आंध्र प्रदेश वाले रीजन में मिलेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं डेक्कन ट्रैप्स। डेक्कन ट्रैप्स बेसिकली जो आर्यन रॉक सिस्टम का ये पार्ट है डेक्कन ट्रैप। तो जो डेक्कन ट्रैप्स है दे आर द फॉर्म ड्यू टू द वॉल्केनिक आउटब्रस्ट, यानी जो लावा या जो बेसाल्टिक लावा है उससे ये फॉर्म हुए हैं, और उनका जो पीरियड है यानी इस पीरियड के दौरान दे गेट फॉर्म, है ना, क्रिस्टेशियस टिल द बिगिनिंग ऑफ यूरोसीन गिव राइज टू द डेक्कन ट्रैप। हियर द वॉल्केनिक आउटब्रस्ट ओवर द वास्ट एरिया ऑफ पेंसुलर इंडिया, है ना, फॉर्म द एंड ऑफ क्रिस्टेशियस एंड टिल द बिगनिंग ऑफ यूरोसीन गिव राइज टू द डेक्कन ट्रैप्स। ठीक है, तो जब क्या हुआ कि वॉल्केनिक आउटब्रस्ट हुआ, उस वॉल्केनिक आउटब्रस्ट से ये डेक्कन ट्रैप बना, है ना, बेसिकली बेसल्टिक लावा से ये फॉर्म हुआ है। दीज वॉल्केनिक डिपॉजिट्स हैव अ फ्लैट टॉप एंड स्टीप साइडेड एंड देयर फॉर कॉल्ड ट्रैप्स, है ना। ये जो वॉल्केनिक डिपॉजिट क्या है कि ये बिल्कुल जो रीजन बनाती हैं ये फ्लैट टॉप बनाती हैं और स्टीप साइडेड ये स्लोप होती हैं, इसके साइड में बिल्कुल स्टीप स्लोप्स होती हैं। जो प्रेजेंट देन द प्रेजेंट डेक्कन ट्रैप्स कवर ऑलमोस्ट अबाउट 5 स्क्वायर किलोमीटर मेनली इन द पार्ट ऑफ कच्छ सौराष्ट्र महाराष्ट्र
मालवा प्लेट्यू एंड द नॉर्दर्न कर्नाटका रीजन में, यहाँ पे आपको ये डेक्कन ट्रैप्स मिलने वाले जो रॉक सिस्टम है वो मिलेंगे, ठीक है। एंड बेसिकली अगर हम बात करें तो जब ये बना था तो फ्रॉम देन इसकी जो हाइट है अब आधी रह गई ड्यू टू द वेदरिंग एंड डिनुडेशन। यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन सिंस द मिलियंस ऑफ ईयर्स हैज रिड्यूस द डेक्कन ट्रैप टू द ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल साइज, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है इससे रिलेटेड कि जो ये डेक्कन ट्रैप्स के रॉक्स हैं जब वो इरोड होते हैं यानी जब उनकी वेदरिंग होती है उनकी वेदरिंग से जो सॉयल बनता है वो ब्लैक सॉयल बनता है, ब्लैक सॉयल ऑटम सॉयल या हम लोग उसको रेगुलर सॉयल भी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे द वेदरिंग ऑफ दीज रॉक्स फॉर द लॉन्ग टाइम हैज गिवन बर्थ टू द ब्लैक कॉटन सॉयल एंड रेगुलर सॉयल, ओके। यहाँ पे ये इनकी वेदरिंग से ये ब्लैक सॉयल और कॉटन सॉयल बनते हैं, ठीक है। चलिए तो ये किस कौन से रीजन में आपको मिलेंगे, दे बेसिकली दे आर फाउंड इन द अपर ट्रैप इन महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, ओके, सेंट्रल इंडिया, मालवा, सम पार्ट ऑफ कर्नाटका, ठीक है ना, इन रीजन में, ठीक है ना। कुछ रीजन में अभी भी लेयर्स ऑफ वॉल्केनिक एसेस मिलेंगे, यहाँ पे प्रेजेंट मिलेंगे, जैसे महाराष्ट्र एंड सौराष्ट्र वाले रीजन में कुछ वॉल्केनिक एसेस मिलेंगे आपको, है ना, सेंट्रल इंडिया, मालवा वाले रीजन में भी मिलेंगे, ठीक है ना। जो लोअर ट्रैप्स वाले रीजन में है यानी कर्नाटका साइड में है उधर कम मिलेंगे आपको, न के बराबर मिलेंगे, ठीक है। देन टर्शियरी सिस्टम, जो टर्शियरी सिस्टम हमारा टर्शियरी सिस्टम के जो रॉक्स हैं दे फॉर्म ड्यूरिंग दिस पीरियड ईओसीन टू प्लायोसीन दैट इज अबाउट 60 to 7 million ईयर्स एगो, है ना, इस पीरियड में फॉर्म हुए। दिस टर्शियरी सिस्टम या दिस पीरियड इज ऑफ वेरी मच सिग्निफिकेंस फॉर अस बिकॉज द टर्शियरी पीरियड इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिकॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड द इंडिया जियोलॉजिकल हिस्ट्री बिकॉज जो ये पीरियड रहा वो हमारे जो हिमालयंस के फॉर्मेशन के लिए और इंडिया का जो प्रेजेंट फॉर्म है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी पीरियड में, इसी एज में हिमालयन का फॉर्मेशन हुआ और इंडिया का जो प्रेजेंट स्टेटस है या जो जो है इंडिया अभी प्रेजेंट में वो इस टर्शियरी पीरियड के ही दौरान ही ये सारी जो चीज़ें हुई, ये जो चेंजेज हुए है ना, और ये इंडिया जो करंट इंडिया है वो एग्जिस्टेंस में आया ड्यूरिंग दिस टर्शियरी पीरियड। तो यही ये सेकंड पॉइंट भी लिखा हुआ है कि द टर्शियरी पीरियड इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट पीरियड इन द इंडियन जियोलॉजिकल हिस्ट्री बिकॉज द हिमालयज वर बॉर्न एंड द इंडिया प्रेजेंट फॉर्म्स केम इनटू बीइंग इन दिस पीरियड, है ना, कि इंडिया का जो प्रेजेंट फॉर्म है वो एग्जिस्टेंस में आया ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। तो ये रहा था आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि जो जियोलॉजिकल बेसिस पे जो रॉक्स का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं हम लोग, है ना, इससे रिलेटेड जो भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे हम लोगों ने आज देखे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है, थैंक यू।